हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आज एक नई वन शॉट एफएफ देखते हैं। ये एक जहानी स्टोरी है मॉडर्न सेटिंग के साथ, जिसमें टॉप शाहजहान है और बॉटम वांगीपो है। पर रुकिए, कहानी यही ख़त्म नहीं होती, इसमें एक लव ट्रायंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहान ने दरवाज़ा हल्के से खोला, जिसके साथ ही फिनचिम की आवाज़ गूंज उठी और अंदर के आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा। शाम 6 बज रहे थे और शाम की रोशनी में सामने वाला बंदा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। टू द सरप्राइज, शाहजहान को अंदर कोई भी नहीं दिखाई दिया, तो वो थोड़ा सा निराश हो गया। शायद कल उसे जल्दी आना पड़ेगा, ये सोचकर वो जाने ही वाला था, तभी वहाँ कदमों की आहट हुई। शाहजहान फिर से मुड़ गया। उसने पाया सामने एक 21-22 साल का लड़का खड़ा है। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, उसके नीले रंग के बाल, कानों में बालियाँ, दुबला पतला शरीर, जैसा कि एक डांसर को होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही था। आपको कुछ काम था, सामने वाले लड़के ने पूछा। तो शाहजहान ने उसके चेहरे से नज़रें हटाई और कहा, ओह कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, शायद थोड़ा जल्दी, ताकि ओनर से मिल सकूं। वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी थी। ये लड़का तो देखते ही दंग रह गया। ऑब्वियसली ये इबो था, और हो ही कौन सकता है। इबो ने कहा, आपको कोई काम था क्या? शाहजहां ने कहा, नहीं मुझे ओनर से मिलना था। इबो ने कहा, रुकिए मैं ही ओनर हूँ। शाहजहां ने फिर से मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा, जिसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये इस डांस क्लास का ओनर भी हो सकता है। बट चलो जो है सो है। शाहजहान अंदर आ गया। वो लड़का अभी अभी अपना क्लास ख़त्म करके बैठा हुआ था, थका हुआ था। सुबह से शाम तक वो बहुत सारे लोगों को अटेंड करता था, कुछ बच्चे, कुछ नौसिखिए, कुछ बूढ़े जो एक्सरसाइज के लिए डांस किया करते थे। इन सबको संभालते संभालते ईबो की हालत ख़राब हो जाती थी, पर क्योंकि उसे डांस पसंद था और सर्वाइवल के लिए दूसरा कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए वो इसी पर फोकस कर रहा था। डांस क्लास खोले हुए उसे 6-7 महीने हो चुके थे, वो अभी भी सेटल होने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी सारी मेहनत के बाद बस हाथ की मुँह से गांठ हो जाती थी। उसे अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए और क्लासेस लेने की ज़रूरत थी। वैसे उसने कुछ सोचा भी था, बस अप्लाई करना बाकी था। और सामने ये और एक कस्टमर चल कर आया, तो युवक को उसे अटेंड करना ही था। इस कस्टमर ने अपना नाम शाहजहान बताया और कहा कि वो डांस सीखना चाहता है। युवक ने पूछा, किस तरह का डांस सीखना चाहते हो? तो शाहजहान ने कहा, मुझे बॉलरूम डांस सीखना है। युवक ने कहा, सॉरी मैं अभी तो बॉलरूम क्लासेस नहीं लेता। शाहजहां ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारा पहला स्टूडेंट बनूंगा और मुझे जॉब की वजह से रेगुलर क्लासेस में आना पॉसिबल भी नहीं है। इबो ने कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ, आप रोज़ इस समय आया करें। शाहजहां ने स्माइल की और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने कहा, ठीक है लेकिन मुझे तुम्हें पर्सनली अटेंड करना पड़ेगा। इबो ने कहा, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को पर्सनली अटेंड करता हूँ, चाहो तो अभी ट्राई कर लो। पर शाहजहां ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, उसने कहा कि वो कल शाम 6 बजे पहुँच जाएगा। इसके साथ ही उन दोनों का रूटीन शुरू हुआ। शाम को 6 बजे शाहजहां आ जाता, जिसके बाद इबो उसे सिंपल स्टेप्स, सिंपल एक्सरसाइज सिखा था। वैसे शाहजहां ने एक धुन तय करके रखी थी कि उसे उसी धुन पर डांस करना है। इबो ने ऐसे ही उसे टीज किया, किसी को प्रपोज करना है क्या? और शाहजहां इतनी बुरी तरह से शर्माया कि इबो के लिए तो एक जैसे नई दुनिया खुल गई, जहांगा को टीज करना हर छोटी से छोटी बात पर। वैसे शाहजहां को इबो की टीजिंग बहुत अच्छी लगती थी। बात बात पर वह अपने गर्लफ्रेंड का जिक्र किया करता था, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, और उसके लिए तो उसकी गर्लफ्रेंड से हटकर कोई दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। थोड़े से
8-10 दिन के समय में ही दोनों काफ़ी अच्छे से एक साथ घुल मिल गए थे। ईबो को शाहजहाँ से ज़्यादा उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता था, उसे क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, मतलब उसकी हर एक चीज़। जैसे ईबो उस लड़की को इमेजिन कर सकता था, उसे भीड़ में भी पहचान सकता था, इतना सब कुछ शाहजहाँ ने उस लड़की के बारे में ईबो को बताया था, अपने क्रश के बारे में बताया था जिसे वो जल्द ही प्रपोज करने वाला था। कुछ दिन और बीत गए और शाहजहाँ एक सेगमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुका था। अब शाहजहाँ बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह ईबो के सामने आया, उसने अपना हाथ आगे किया तो ईबो ने भी शाहजहाँ का हाथ पकड़ लिया और एक रियल फीमेल पार्टनर की तरह उसके साथ डांस करने लगा। शाहजहाँ ने कहा, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें फॉलो ज़रूर करता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि डांस पूरा तुम करोगे। दोनों की रजामंदी इसमें बहुत ज़रूरी होती है, केमिस्ट्री बहुत मायने रखती है। शाहजहाँ और ईबो बहुत ईजिली और बहुत कंफर्टेबल होकर डांस कर रहे थे। अचानक से ईबो के अंदर कुछ बदलाव होने लगे, जैसे उसे वो टच अच्छा लगने लगा, वो डांस, वो दोनों की एक लय उसे बहुत अच्छी लगने लगी। पर तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई, विंडचिम की फिर से एक बार आवाज़ हुई। ईबो ने देखा वहाँ पर एक लेडी है और उस लेडी को देखकर शाहजहाँ की आंखें चमक उठी। वो तुरंत ईबो का हाथ छोड़कर उस लेडी के पास भागता हुआ गया और ईबो बस देखता ही रह गया। उस लेडी को लेकर शाहजहाँ वहाँ से तो चला गया और फिर लौटा ही नहीं। पूरे 8 दिन हो गए ईबो बस शाहजहाँ का इंतज़ार करता रहा, वो वापस आया ही नहीं। और इधर उसकी गैर मौजूदगी ईबो को बहुत सताने लगी। उसने जैसा कि तय किया था एक बॉलरूम क्लास भी शुरू किया, उसके साथ बहुत सारे लोग फिर से डांस करने लगे, उसके नए 6 स्टूडेंट्स थे, लेकिन किसी के भी साथ ईबो इतना कंफर्टेबल नहीं था जितना कि वो शाहजहाँ के साथ था। 10 दिन हो गए, ईबो आज भी उस हॉल में गया, सभी को डांस सिखाया। आजकल वो तब तक डांस करता था जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं जाता। ईबो ने सारे क्लास ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक डांस किया और उसके बाद वो जाकर मिरर के सहारे डांस करने लगा, जैसा वो शाहजहाँ के साथ करता था वही स्टेप्स। वो अपने सामने अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, उसके साथ डांस कर रहा था, उसकी आंखों में वो चीज़ देखने की कोशिश कर रहा था जो उसे शाहजहाँ की आंखों में दिखती थी। वो प्यारी आंखें, वो चेयरफुल आंखें, उसे वो दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिली। पर अब तो शाहजहाँ जा चुका था, उसका जो डांस सेगमेंट उसको तैयार करना था वो तो ईबो ने कब का कर दिया था, शाहजहाँ ने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब ईबो का और उसका शायद कोई लेना देना नहीं था, वो बस ईबो का स्टूडेंट था जो वहाँ से चला गया था। ईबो को उसका नाम, उसकी उम्र और उसकी बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड बाइजिया, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी चलाती है, बहुत सक्सेसफुल है, शायद से शाहजहाँ से कम 10 साल बड़ी है, और उसकी बहुत सारी आदतें कि वो कितनी सक्सेसफुल है, काम के लिए कितनी पैशनेट है, इस सब के अलावा और कुछ भी पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि शाहजहाँ क्या है। हाँ, उसे इतना पता था कि वो बाइजिया की कंपनी में ही काम करता है, पर उसकी फैमिली कौन है ये सब उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। शाहजहाँ ने कभी अपनी पसंद नापसंद तो बताई ही नहीं, पर फिर भी ईबो के दिल में बहुत अजीब सा दर्द उठता था। उसे खुद भी पता नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है। आज तक उसने डांस के अलावा और कुछ कभी सोचा ही नहीं था। तो इस अजीब सी बेचैनी में भी वो बस डांस कर रहा था, एक ट्रांस में। ऐसे ही वो हेड स्पिन करने लगा
बहुत देर तक, इतनी देर तक कि उसे चक्कर आने लगे, पर एबो रुकना नहीं चाहता था। वह तब भी अग्रेसिवली डांस किए जा रहा था, तभी अचानक से पिंजिम की आवाज़ हुई और एबो ने डांस करते करते उस तरफ देखा, जहाँ पर शाहजहान अपनी लाल आंखों के साथ खड़ा हुआ था। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद जूते, जैसे कि वो डेट के लिए गया हो। एबो डांस करते करते अचानक से रुक गया, वो गिरने वाला था, पर शाहजहान ने आगे आकर उसे संभाला और उसके साथ वैसे ही डांस करने लगा जैसे कि एबो ने उसे सिखाया था। एबो भी नहीं रुका, दोनों एक साथ हाथों में हाथ डालकर डांस करने लगे। अचानक से शाहजहान ने अपना सर एबो के कंधे पर रख लिया, दोनों के पैर साथ में चल रहे थे, बस उनका ऊपरी हिस्सा अलग नहीं हो रहा था। शाहजहान ने एबो को कसकर पकड़ लिया था, पीछे हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था और दोनों बॉल डांस कर रहे थे। एबो ने कहा, बताना चाहोगे? पर शाहजहान ने बस सिसके लिए कुछ भी नहीं कहा। एबो ने सोचा शायद शाहजहान को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। शाहजहान ने कहा, वो प्रेग्नेंट है, उसने डिवोर्स नहीं लिया। एबो बिल्कुल शांत होकर शाहजहान की सारी बात सुन रहा था। वो बहुत थका हुआ था, पर अभी शाहजहान को समय देना ज़रूरी था। अब शाहजहान पूरी कहानी सुनाने लगा। जब वो 7 साल का था, तब वो अपने पिता के साथ उनके काम पर जाया करता था, जो एक रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी थे। वहाँ पर ये लड़की आई थी, बाईशिया, उस वक्त वो 17 साल की थी। उसके साथ और भी कुछ लोग थे, पर जिस तरह से उसकी आंखें थी, वो पैशन, वो उसका काम करने का तरीका, ये सब देखकर 7 साल का शाहजहान उस लड़की के प्यार में पड़ गया और उसे फॉलो करने लगा। उस तरह से नहीं, जिस तरह से कोई जवान लड़का करता है, शाहजहान के लिए तो वो कुछ और ही था। वो उसकी ज़िंदगी का मकसद था, जैसे कि वो भी वो चीज़ करना चाहता है, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करना चाहता है, उस लड़की के साथ, उस लड़की की तरह वो उसी की तरह बनना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, शाहजहान बड़ा होता गया और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। तब तक ये लड़की बाईशिया एक सक्सेसफुल वूमन बन चुकी थी और शाहजहान उसी की कंपनी में काम कर रहा था, उसे रोज़ाना देखा करता था। बाईशिया का पैशन, उसका काम आज भी उसकी प्रायोरिटी था और इस सब में कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ उधड़ चुकी थी। वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, दोनों में डिवोर्स की बातें हो रही थी। शाहजहान ने अपना पूरा जोर लगाया हर चीज़ की, जिससे वो बाईजिया को इम्प्रेस कर सके। अब वो बाईजिया को अपनी ज़िंदगी में चाहता था, वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। इसलिए नहीं कि उसे बाईजिया पसंद थी या फिर उसके शरीर वो पाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो अपने प्रेरणा स्रोत को ऐसे हारते हुए नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो बहुत सक्सेसफुल बने, वो पूरी दुनिया मुट्ठी में करे, और शाहजहान इस चीज़ में उसकी मदद करना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की, हर चीज़ की, कभी बाईजिया के लिए खाना बनाना, उसके लिए रोज़ भूखे लेकर जाना, एक्स्ट्रा मेहनत करना, हर प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत करना कि वो बाईजिया की नज़र से छूट ना जाए। धीरे धीरे उसकी और बाईजिया की दोस्ती भी हो गई। माना कि वो शाहजहान से 10 साल बड़ी थी, लेकिन शाहजहान को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाईजिया भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी। दोनों काफ़ी वक्त साथ में बिता रहे थे। बाईजिया कभी भी ड्रंक होती, शाहजहान को पहले से ही कॉल किया करती थी। उसे जो भी परेशानी होती, वो सीधा शाहजहान के पास जाकर रोना रोती। वो
वो उसकी हेल्प करता, उसकी मदद करता, उसके लिए हर चीज़ करता। अब धीरे धीरे पैशिया पूरी तरह से शाहजहाँ पर डिपेंड रहने लगी, यहाँ तक कि वो बस शाहजहाँ को बता देती कि मुझे इस तरह का काम चाहिए और वो काम अगले दिन उसके टेबल पर हाजिर होता। शाहजहाँ बहुत बुरी तरह से मेहनत कर रहा था और पैशिया की नज़रों से ये सब छूट भी नहीं रहा था। उसने भी समझ लिया था कि शाहजहाँ उसे पसंद करता है। एक दिन उसने नशे की हालत में शाहजहाँ से अपने दिल की बात कही थी कि काश उसका हस्बैंड शाहजहाँ की तरह होता। वो अपने हस्बैंड को उसकी तरह देखना चाहती है, वो उसे बहुत प्यार करती है। और इतना कहकर पैशिया बेहोश हो गई और शाहजहाँ बस सोच में पड़ गया। अब जाकर उसे समझ आया था कि वो ये सब कुछ जो कर रहा था वो प्यार था, वो पैशिया से प्यार करता है। पहले प्यार का एहसास होते ही शाहजहाँ की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। वो बहुत खुश रह रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अब तो उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने सीधा जाकर अपने माता पिता को बता दिया कि वो पैशिया से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ, जिसने इस बात पर एक ही हल्ला मचा दिया क्योंकि उसकी नज़र में तो शाहजहाँ को कोई अपने ढंग की लड़की ढूंढनी चाहिए थी, ये पैशिया तो बिल्कुल भी उसके टाइप की नहीं थी। उसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया, काफ़ी तोड़फोड़ भी मचा दी। उसके पिता जो ऑलमोस्ट एक हार्ट पेशेंट थे, मतलब इस माँ बेटे को हमेशा लगता था कि उन्हें दिल का दौरा ही पड़ जाएगा, लेकिन उस पिता ने भी बड़ी मुश्किल से ये चीज़ हजम कर डाली कि उनका बेटा 10 साल बड़ी लड़की एक सक्सेसफुल लड़की से प्यार करता है जो उनके औकात के बाहर की है। वो सीधे साधे लोग थे, माँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी, पिताजी अभी भी सफाई कर्मचारी थे और शाहजहाँ को पढ़ा लिखा कर उन्होंने इस काबिल बनाया था कि वो उनके हालात बदलेगा। लेकिन ये लड़का अपनी सेविंग्स उड़ा उड़ा कर उस लड़की को बुके ले जाया करता था जो उनके समझ से परे था। पर खैर जो हो, उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली और अगले ही दिन शाहजहाँ सोचने लगा कि उसे किस तरह से बैजिया को कोर्ट करना चाहिए। वो फ्लावर्स तो ले ही जा रहा था, उसने एक सरप्राइज़ प्रपोज़ल भी अरेंज करने का सोचा, एक गाना भी प्रिपेयर किया। उसके लिए गिटार खरीदनी पड़ती, जिसका उसके पास बजट तो नहीं था, पर उसके एक फ्रेंड के पास गिटार थी तो उसने उस पर प्रैक्टिस करी, अच्छे से एक वोकल तैयार किया। उसके बाद बारी थी डांस की। ऐसे ही उसे एक दिन जॉब से लौटते वक्त शाम के 6 बजे ये डांस स्टूडियो दिखाई दिया और जब उसने अंदर झाँका तो वो उस लड़के को देखकर दंग ही रह गया जो खुद को ओनर क्लेम कर रहा था, मतलब वो उस डांस स्टूडियो का ओनर था। एक 21-22 साल का लड़का जो बिल्कुल लड़की की तरह दिखता है, वो एक डांस क्लास का ओनर है। ये बात शाहजहाँ को हजम तो नहीं हो रही थी, पर उसने पहले ही शर्त रख दी कि इबो को उसके साथ ही डांस करना पड़ेगा, उसका पार्टनर बनना पड़ेगा। तो इबो ने भी बेझिझक ये बात मान ली। तो फिर क्या था, उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वैसे तो शाहजहाँ बैजिया की बातें करते करते थकता नहीं था और इबो उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनता था। वैसे शाहजहाँ को बड़े कम ही ऐसे दोस्त मिले थे जो उसकी हर बात को इतने ध्यान से, इतने गौर से सुनते थे। अगर बैजिया के ऊपर कोई PhD कर रहा होता ना, तो शायद शाहजहाँ फर्स्ट आता तो इबो सेकंड आता। इतना सब कुछ उन दोनों को बैजिया के बारे में पता था। ऐसे ही उस दिन जब शाहजहाँ अपने डांस की प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहा था, उसने सोच लिया था 3 दिन बाद जब उसका बर्थडे है वो उसी दिन बैजिया को प्रपोज़ करेगा। तो वो बहुत खुश भी था, लेकिन अचानक से उस दिन बैजिया उसके स्टूडियो में आ गई और शाहजहाँ इबो को छोड़कर सीधा उसके पास चला गया। दोनों भी बाहर आ गए। उस दिन बैजिया थोड़ी सी परेशान लग रही थी तो शाहजहाँ उसको लेकर यूजुअली उसी क्लब में चला गया जहाँ हमेशा बैजिया जाया करती थी अपने
गम शाहजहाँ के साथ बांटा करती थी। पर उस रात बाईजान ने ड्रिंक नहीं किया, पता नहीं वो कुछ परेशान से लग रही थी। शाहजहाँ ने बहुत कोशिश की, वो बाईजिया को घर लेकर गया जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। शाहजहाँ ने उसे पहले इस तरह से स्ट्रेस में कभी भी नहीं देखा था। वो सो गई पर शाहजहाँ वही रहा उसकी देखभाल करते हुए। उसने अगले दिन बाईजिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। बाईजिया ने तब भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। फिर दो तीन दिन बीत गए। शाहजहाँ को अजीब तो लग रहा था पर उसे लगा शायद बाईजिया अपने डिवोर्स को लेकर कंसर्न है। उसका हस्बैंड जो उसके साथ उस एड एजेंसी को चलाता था, शायद उसके साथ उसके कुछ पंगे हो गए हैं। पर शाहजहाँ हर हालत में बाईजिया का साथ नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर उसने किराए के कपड़े लिए थे पूरे वाइट। और फाइनली 8-10 दिन बीतने के बाद शाहजहाँ पूरी तरह से रेडी होकर बाईजिया को बुलाकर उसे प्रपोज करने वाला था। बाईजिया आई तो सही, लेकिन वो अभी भी बहुत परेशान लग रही थी। शाहजहाँ ने जैसे कि प्रिपेयर किया था, पहले तो बाईजिया के लिए गाना गाया, फिर उसके साथ अच्छे से डांस किया। पर पता नहीं क्यों जिस तरह से वो इबो के साथ कंफर्टेबल था, बाईजिया के साथ लग नहीं रहा था। और बाईजिया को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती बस शाहजहाँ का मन रखने के लिए सब कुछ कर रही है। अंत में जब शाहजहाँ ने उसे प्रपोज किया, तब बाईजिया ने एक ही घूट में पूरा वाइन का ग्लास पी लिया और शाहजहाँ से कहा कि वो प्रेग्नेंट है। शाहजहाँ के पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही घिसक गई। वो जिस लड़की को इतना प्यार करता था, वो अफेयर भी रख रही थी उसके हस्बैंड के साथ, तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसका दिमाग नहीं चल रहा था। तो बस शाहजहाँ ने आगे कुछ भी नहीं पूछा, वो सीधा उस डांस स्टूडियो में चला गया जहाँ पर वो इबो के साथ डांस करता था। उसके दिल में जो एक तड़प थी, एक अनकंफर्टेबल पन था, वो सब कुछ निकालना चाहता था। वो सीधा इबो के पास गया और इबो को गले से लगा लिया। इबो धीरे धीरे धुन पर उसके साथ फुटवर्क कर रहा था और शाहजहाँ पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, इमोशनल टर्मोइल में था, समझ नहीं पा रहा था कि इबो को क्या बताए, कैसे बताए। उसने बस इतना कहा, वो प्रेग्नेंट है। इबो ने कहा, शेयर करना चाहोगे? पर शाहजहाँ को इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। तभी अचानक से वो रिदम चेंज हो गया और क्विक धुन आ गई। शाहजहाँ ने अभी भी इबो को नहीं छोड़ा था, वो उसके साथ वैसे ही डांस कर रहा था और दोनों इस बार फास्ट फुटवर्क करने लगे थे। इबो की संगत का शाहजहाँ पर थोड़ा बहुत असर हो गया था, शायद से उसे इबो का पैटर्न पता चल गया था। वो इबो के साथ क्विक फुटवर्क करने लगा और दोनों इसी तरह से डांस करते रहे एक ट्रांस में। और फिर अचानक से जब अगली बार धुन बदली और बहुत तेज़ म्यूज़िक बजने लगा, शाहजहाँ ने इबो को कसकर पकड़ लिया, गर्दन से उसकी आंखों में देखा और उसके होठ इबो के होठों के बहुत नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक कि बस उन दोनों के बीच में किस होने ही वाला था। पर शाहजहाँ वहीं रुक गया, वो बस इबो की आंखों में देख रहा था। पर इस बार इबो नहीं रुका, उसने आगे बढ़कर शाहजहाँ के होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे सॉफ्टली किस करने लगा। शाहजहाँ ने कहा, इबो क्या तुम सच में ये चाहते हो? क्योंकि अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता। और इबो ने बस नोट करके शाहजहाँ को परमिशन दे दी और शाहजहाँ ने उसे बहुत डीपली किस किया। इबो के पैर जवाब दे गए, उसने अपने दोनों पैर उठाए, शाहजहाँ के कमर पर कस लिए
और शाहजहां उसे मिरर पर पुश करके लगातार किस करने लगा, इतनी बुरी तरह से जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन उसके पास कोई शब्द ही नहीं हो। वो बहुत बुरी तरह से वो को किस कर रहा था। अगर वो सांस लेने के लिए रुकते भी शाहजहां फिर से ईवो पर अटैक कर देता। वो किस इतना ज़बरदस्त था कि ईवो से कंट्रोल ही नहीं हुआ। वो क्लाइमैक्स पर पहुंच गया और उसकी आवाज़ सुनकर शाहजहां होश में आ गया। उसने ईवो की हालत देखी, अपनी हालत देखी और ईवो को ज़मीन पर उतारा। ईवो को तो समझ भी नहीं आ रहा था, वो अभी भी अपने हाई से कंट्रोल करने की, नीचे उतरने की, होश में आने की कोशिश कर रहा था और शाहजहां वहाँ से उल्टे पाँव भाग गया था। पता नहीं वो कब तक भागना चाहता था। कुछ और दिन बीत गए। ईवो आज भी अपने क्लासेस में बिजी था। शाहजहां उसकी ज़िंदगी में एक हवा के झोंके की तरह आया था, कुछ सुकून के पल दे गया था और उसके बाद चला गया था। ईवो को पता भी नहीं था शाहजहां क्या करता है, कहाँ रहता है। बस वो एक पहेली की तरह आया और चला गया। ईवो के दिल में बहुत सारी खलबली मचाकर, शायद से ये ईवो का पहला प्यार था जो कभी पूरा नहीं होने वाला था। आज डांस करते वक्त ईवो यही सोच रहा था, तुम क्यों आए, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, शायद से मैं कभी प्यार भी नहीं करता, तुम मेरी लाइफ में आए ही क्यों। खैर जाने दो, वो था ही कितना इम्पोर्टेंट। उसकी मुलाकातों से ज़्यादा तन्हाइयाँ देखी है, शायद से उसकी तरफ से ऐसा कुछ था ही नहीं। पर वो किस, वो ईवो को शायद से ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। कहते हैं ना, एक बूंद इश्क ही काफ़ी होता है अगर वो सही इंसान के साथ हो। ईवो के लिए संगा की बस ही एक झलक ही काफ़ी थी। वो उतने से प्यार में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता था, क्योंकि वैसे भी उसके लाइफ का ये मोटो था ही नहीं कि वो कोई फैमिली बनाए। वो तो बस डांस करना चाहता था, वो पैशन उसके सर चढ़कर बोलता था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए या फिर उसे डांस के अलावा और कुछ करना है। वैसे भी उसकी उम्र थी ही क्या, अभी अभी तो ग्रेजुएट हुआ था और तुरंत ही उसने अपना स्टूडियो शुरू किया था। वो एक बहुत अच्छा कोरियोग्राफर बनना चाहता था और इन सब ड्रीम्स में कभी भी कोई भी शामिल नहीं था, यहाँ तक कि शाहजहां भी नहीं। और अब जब वो चला गया है तो एक खालीपन के साथ ही ईवो खुश है। दिन बीतते गए, सारी चीज़ों पर जैसे धूल जमने लगी। ईवो ने अपने दिल को संभाल लिया, उसने दोबारा कभी भी सरगा से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। कुछ समय और बीत गया। एक दिन ईवो के पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया जिसमें उसे एक एड एजेंसी के लिए एक डांस रूटीन बिठाना था, कुछ स्टेप्स करने थे। ये काफ़ी वेल नोन एजेंसी थी तो ईवो ने ये रूटीन ले लिया। अपने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के साथ वो वहाँ पर चला गया और सरप्राइजिंगली उसे वहाँ वही इंसान दिखा जिसे देखने का ईवो ने ख्वाब में तक नहीं सोचा था, उसी के जहन का। बस फर्क इतना था कि शाहजहां बहुत मैच्योर लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वही वाला शाहजहां है, हंसता खिलखिलाता, जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारा प्यार है, जो पैशनेटली किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें कर सकता है। ईवो जितना शांत था, अकेला था, शायद से शाहजहां भी अब बिल्कुल वैसा ही बन गया था, बिल्कुल शांत, अपने काम से काम रखने वाला। पर उसकी जो छाप ईवो के दिल में थी, ईवो उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। पहले दिन तो उनकी सही से मुलाकात भी नहीं हुई
और दूसरे दिन एक बहुत बड़ी आफत आन पड़ी। शाहजहाँ को हॉस्पिटल से बुलावा आ गया और वो भागता हुआ इबो को पूरी यूनिट को स्टैंड बाय पर रख के सीधा हॉस्पिटल में चला गया, क्योंकि आज बायजिया की डिलीवरी होने वाली थी और बायजिया का बॉयफ्रेंड होने के नाते शाहजहाँ की जिम्मेदारी थी कि उसके इस नाजुक हालात में उसके साथ रहे। पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो खुश है, शायद से वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहा था। उसकी प्यारी सी लव स्टोरी में इबो ने आकर हड़कंप मचा दिया था और अब ना इबो पीछे हटने को तैयार था, ना ही शाहजहाँ अपने कदम आगे बढ़ा पा रहा था। वो तो बस बायजिया और इबो के बीच में फंस कर रह गया था, जिस लड़की के पीछे शाहजहाँ पिछले 20 साल से पड़ा था। वो लड़की आज शाहजहाँ के साथ होना चाहती थी और शाहजहाँ अचानक से किसी और में इंटरेस्ट लेने लगा था। किसी और के साथ बस कुछ हफ्ता भर बिताने के बाद, एक किस करने के बाद उस आदमी का ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। वो जानता था ये सोसाइटी गे लोगों को कभी नहीं अपनाएगी, ना ही वो खुद गे है। उसे किसी के लिए इतना अट्रैक्शन कभी फील नहीं हुआ, पर ये लड़का, ये तो कुछ अजीब ही चीज़ था जिसने शाहजहाँ को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। उसके लिए शाहजहाँ पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार था, बायजिया से भी, खुद से भी। पर वो अभी तो कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि शायद बायजिया के बेबी को उसकी ज़रूरत थी, एक पिता के नाम की ज़रूरत थी। शाहजहाँ सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया। बायजिया को उसकी उम्र की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। वो 38 साल की थी और लाइफ में उसने दोबारा कंसीव किया था। उसके डॉक्टर्स का तो कहना था कि बायजिया को ये चांस नहीं लेना चाहिए, उसकी बॉडी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसकी जान पर भी बना सकती है। लेकिन बायजिया ने किसी की भी बात नहीं मानी, उसने बस अपने दिल की, क्योंकि उसे भरोसा था शाहजहाँ कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वैसे शाहजहाँ के फैमिली ने भी बायजिया और शाहजहाँ को एक्सेप्ट कर लिया था। उनके लिए थोड़ी मुश्किल तो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, बायजिया को खुले बाहों से अपनाया, उसके बेबी को भी, जो शायद शाहजहाँ का था भी नहीं। इधर इबो भी इस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका क्रश उसकी आंखों के सामने किसी और का होने जा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि अपने दिल को कैसे समझाए। उसका दिमाग तो कह रहा था कि उसे इस सब की ज़रूरत नहीं है, पर दिल की सुई बार बार शाहजहाँ पर ही आकर अटक जाती थी। उस दिन का स्टैंड बाय पर रखा हुआ डांस रूटीन स्टैंड बाय पर ही रहा। 2-3 दिन तक कोई भी अपडेट नहीं आए, ना ही रीशेड्यूल हुआ, तो ये वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो अपने स्टूडियो में जाकर बहुत बुरी तरह से अग्रेसिवली डांस करने लगा, इतना अग्रेसिवली कि उसके पैर में मोच आ गई। उसे उसके कुछ डिसाइपल्स ने तुरंत हॉस्पिटलाइज करना सही समझा और बदकिस्मती से वो उसी हॉस्पिटल में चला गया जहाँ पर बायजिया एडमिटेड थे। पर किस्मत ने अपना खेल यहीं पर ख़त्म नहीं किया। इबो को एक पूरे दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। उसके पैरों में काफ़ी सूजन थी, शायद से फ्रैक्चर होने का भी डर था। इसलिए पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी सूजन कम करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लेनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर वो प्लास्टर कर सकते हैं। इबो तो वही रह गया। उस दिन लिफ्ट से जाते वक्त उसे फिर से शाहजहाँ के साथ मुलाकात करनी पड़ी ज़बरदस्ती की, क्योंकि शाहजहाँ बहुत सारा सामान लेकर बायजिया के पास जा रहा था और वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी थे जो शाहजहाँ को बहुत कुछ सुना रहे थे। और शाहजहाँ चुपचाप सुनते जा रहा था, यहाँ तक कि वो इतना कन्फ्यूज़ था कि उसे पता भी नहीं था कि लिफ्ट में और भी लोग हैं।
उसकी माँ दबे आवाज़ में उससे खुसफुसा कर कह रही थी, पता नहीं किसका बच्चा है, तुमने उसे हाँ ही क्यों कहा? बेहतर होता कि तुम अपने हिसाब से अपने उम्र के किसी लड़के से शादी करते। ये डिवोर्स से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? उसके पिता बार बार अपने चेस्ट को सहलाते हुए कह रहे थे, तुम दोनों ना मेरी जान लेकर ही रहोगे। जब भी मुंह खोलते हो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हो जिससे मेरी जान हलक में आकर रुक जाती है। मैं रिटायर्ड बंदा हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, दोनों को ज़रा भी ख्याल नहीं है। शाशा ने कहा, मदर आप ये क्यों कह रही हो? वो मेरा ही बेबी है और जब मेरा भाईजया के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो अब क्या फ़र्क पड़ता है? पीछे से इबो ने गला साफ किया, तब इन तीनों की नज़रें उस पर गई। शाहजहान की तो फट कर चार हो गई थी, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इबो को देखकर वो हंसे या रोए या फिर इस बात का दुख मनाए कि इबो को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया कि शाहजहान ज़बरदस्ती भाईजया के साथ रहने की कोशिश कर रहा है। माना कि उसने इबो के साथ कोई कमिटमेंट नहीं की थी, पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने लगे थे और इबो को पता था कि शाहजहान के दिल में क्या चल रहा है। शाहजहान का ये बार बार नज़रें चुराना, उसे चाहकर भी कुछ ना बताना इबो को परेशान तो कर रहा था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अब ऐसे में उसके साथ खाली समय था और बात बदलने के लिए शाहजहान ने भी कह दिया, इबो तुम यहाँ? हाँ जानगो, कैसे हो? इबो ने कहा। शाहजहान ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इबो ने कहा, कुछ नहीं, पैरों में हल्का सा फ्रैक्चर आ गया है तो मैं ड्रेसिंग करने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छे हैं, तो तुम रूम में जा रहे हो? इबो ने कहा, नहीं। जो नर्स इबो को व्हीलचेयर पर लेके जा रही थी उसने सोचा शायद से ये इबो की फैमिली है, तो उसने कहा, चाहो तो आप पेशेंट को ले जा सकते हो, उनके पास टाइम है और अगर ये थोड़ा सा वॉक कर सके तो बेहतर है। ना चाहते हुए भी शाहजहान को इबो को अपने साथ लेना पड़ा, मतलब उसके फैमिली ने खुद ही वॉलंटियर किया, उन्हें लगा ये शायद शाहजहान का कोई दोस्त है नया वाला। तो वो सभी भाईजया के रूम में चले गए और वहाँ का नज़ारा देखकर तंग ही रह गए। वहाँ पर कोई और नहीं, भाईजया का हस्बैंड था जो अपने बेबी को गोद में लिए हुए था। शाहजहान ने अंदर जाते ही उस आदमी से लौटना चाहा, उसे बेबी को नीचे रखने के लिए कहा। उस वक्त भाईजया तो सो रही थी, पर शाहजहान के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि शाहजहान भाईजया के साथ आगे कोई रिश्ता रखे। अगर यह आदमी भाईजया को अपनाता है तो शाहजहान अपने आप ही इस सारे परेशानी से दूर हो जाएगा, ऐसा उसकी माँ को लगा। तो उसने कहा, क्या तुम बच्चे के पिता हो? उस आदमी ने सीधे सीधे हाँ में जवाब दिया और अपनी आपबीती बताई। शाहजहान ने कहा, चाहे तुम इसके बाप ही क्यों ना हो पर इसकी परवरिश मैं करूँगा। भाईजया और मैं इसे तुम्हारी कमी कभी भी महसूस होने नहीं देंगे, तुम्हें उससे ताल्लुक़ रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शाहजहान चुप भी करो, बड़े बात कर रहे हैं ना? शाहजहान की मदर ने कहा, इबो को बेवजह ही ये सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा था। वैसे उसे प्रॉब्लम थी कि उसका लव इंटरेस्ट किसी और के लिए झगड़ रहा है, लेकिन वो कर भी कह सकता है, ना ही यहाँ से खुद से जा सकता है, ना ही इनके झगड़े में पड़ सकता है, तो वो फ्री की ऑडियंस बनकर रह गया। इधर शाहजहान की माँ उस आदमी से कह रही थी, तो फिर तुम इस लड़की को अपने बच्चे को अपनाते क्यों नहीं हो? तो अचानक से वो सामने वाला आदमी थोड़ा सा सहम गया और अपनी आपबीती बताने लगा। उसने कहा, मैं और भाईजया कॉलेज टाइम से ही साथ थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कॉलेज टाइम में ही हमने तय कर लिया था कि हम अपनी एड एजेंसी शुरू करेंगे। भाईजया बहुत पैशनेट थी और उसका यही पैशन मुझे बहुत पसंद था, मैं उसका सीनियर था, लेकिन हम दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए। बस 17 साल की उम्र में भाईजया प्रेग्नेंट हो गई और
अपने सपनों के खातिर, अपने करियर के खातिर हम दोनों ने उस बच्चे को रखना ठीक नहीं समझा। मेरी जिद पर भाईजान ने अबॉर्शन तो करवा लिया, लेकिन वो कभी इस चीज़ से उभर ही नहीं पाई। वो हमेशा इस बात का दोष मुझे देती थी। मैं उसे प्यार तो बहुत करता था, पर कंपनी चलाते वक्त हम दोनों का प्यार कहीं खो सा गया और लगभग 20-22 साल के रिश्ते के बाद मैंने फिर से भाईजिया को उसी तरह से पैशन से काम करते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा और मैं फिर से उससे प्यार करने लगा। और ऐसे ही कुछ दिन पहले नशे में हम एक साथ आए, जिस दिन हमारा एक्चुअल में डिवोर्स होने वाला था। भाईजिया के बॉयफ्रेंड, उसने दांत पीसते हुए शाहजहान की तरफ देखा और कहा, इसने हमारे बीच दूरियां और भी बढ़ा दी, उसके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड का एग्जांपल सेट कर दिया, इसकी उम्मीदें और बढ़ने लगी और हमारे बीच की दूरियां भी। पर किस्मत का खेल देखो, उस रात हम इंटीमेट हुए और जिस दिन यह उसे प्रपोज करने वाला था उसी दिन भाईजिया को पता चला कि उसने फिर से एक बार कंसीव कर लिया है। लगभग 20 साल के बाद मैं खुद भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, इसलिए मैंने उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा। पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये हम दोनों का सपना था। जितनी ये एड एजेंसी हमारे लिए ज़रूरी थी, उतनी ही फैमिली भी ज़रूरी थी। लेकिन सक्सेस के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं हमारी फैमिली पीछे रह गए। कमरे में सारे लोग इमोशनल हो गए। शाहजहान को भी लगने लगा कहीं वो इन दोनों के प्यार के बीच में तो नहीं आ गया। युवा को भी बुरा लगने लगा। लेकिन तभी पीछे से तालियों की आवाज़ आई और सबने देखा भाईजिया जग चुकी है और सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए कह रही है, वाओ कितनी अच्छी स्टोरी थी, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारा अफेयर क्यों हो रहा है, या फिर तुम कास्टिंग काउच क्यों चलाते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ा था, जरा अपनी हरकतों पर भी ध्यान दो, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, तुम्हें क्या लगता है मैं एक बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी लेकिन तुम्हें उस प्यार की कभी परवाह थी ही नहीं, कभी कदर थी ही नहीं, ना ही मेरे टैलेंट की कदर थी, तुम्हें तो बस एक फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए था। खुद के लिए बच्चे का टाइटल सुनकर शाहजहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इबो की तो हंसी छूटने ही वाली थी। इधर शाहजहान के पेरेंट्स कंफ्यूज थे कि ये सब चल क्या रहा है, ये लड़की इस आदमी का तो पूरा भांडा फूट कर रख देगी और पता नहीं उसे अपनाएगी भी या नहीं। इधर उस आदमी ने तो अपना सर नीचे कर लिया और कहा, देखो भाईजिया जो हुआ सो हुआ। उस दिन शायला को ये पता चला था कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और उसी दिन उसने कन्फेस किया कि वो भी कॉलेज डेज से मुझसे प्यार करती है, इसलिए तो उसने शादी नहीं की। उसने मुझे प्रपोज किया और किस भी किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। और रहा सवाल कास्टिंग काउच का, तो वो सब मैं नहीं करता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, इतनी सारी लड़कियां मुझे अप्रोच करती है पर मैं किसी के सामने फेल नहीं होता, कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती है, देखने में गलती हो जाती है, सब लोगों को लगता है कि मैं भी लड़कियों का फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं बस पोलाइटली उन्हें मना कर देता हूँ। भाईजिया ने कहा, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूँ, कितनी सारी लड़कियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सब तुम्हारे खिलाफ मूवमेंट भी चला रही है, तुम्हें तब भी समझ में नहीं आता। उसके हस्बैंड ने कहा, मैं सच में इनोसेंट हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, खबरदार, भाईजिया जोर से चिल्लाई। तो वह आदमी अपने बच्चे को उस बाल्टे में रखकर सीधा अपने घुटनों के बल आ गया और भाईजिया के सामने झुकते हुए बोला, भाईजिया तुम मेरी जान हो, ये बच्ची मेरी जान है और मैं तुम दोनों को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता,
प्लीज़ मुझे एक और मौका देकर देखो, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। भाईजान ने कहा, बहुत देर हो गई है, मैं मूव ऑन कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह की सफरिंग मैंने पाई मैं किसी और को भी दे दूँ। ये लड़का जो तुम सामने देख रहे हो, इसने 7 साल की उम्र से मुझसे प्यार किया है। पता है, जिस दिन मैं अबॉर्शन करने वाली थी इसी दिन मैं इस लड़के से टकराई थी, और इसे देखकर मुझे लगा था कि काश मेरा बेटा भी ऐसा होता, इतना प्यारा। पर यह सिर्फ मेरी सोच नहीं थी, ये लड़का भी उसी दिन से मुझसे प्यार करता है। मेरे लिए ये यहाँ तक आया है, मैं नहीं चाहती इसका दिल टूटे। इसका कोई दिल नहीं टूटेगा, शाहजहान की मदर ने कहा। शाहजहान ने अपनी माँ की तरफ देखा। मम्मा, उसने अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश की तो शाहजहान की मदर ने कहा, देखो ये कंफ्यूज हो गया है, इंस्पिरेशन और प्यार को एक जैसा ही समझ रहा है। प्यार अलग होता है, जब आप किसी से प्यार करते हो आपको एक पल का प्यार भी काफ़ी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी ज़िंदगी साथ में बिताओ। अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो तो उस इंसान का चेहरा सामने आता है जिससे आप सच्चा प्यार करते हो। शाहजहान, अपनी आंखें बंद करो, दिखाओ तो तुम्हारे दिल में कौन है। शाहजहान थोड़ा सा झिझक रहा था, वो जानता था कि उसने बचपन से भाईजिया से प्यार किया है, लेकिन इबो भी था, पता नहीं क्या था। तो उसने बस सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर आंखें बंद कर ली, और सरप्राइजिंगली उसे उस शाम का इबो याद आ गया। वो सूरज की रोशनी में नहाया हुआ, थका हारा, पसीने से लथपथ ज़मीन पर बैठा हुआ इबो, नीले बालों वाला, खानों में बालियाँ डाले हुआ, जिसे देखकर ये भी नहीं लग रहा था कि वो ओनर हो सकता है। और शाहजहाँ ने आंखें खोलकर सीधा इबो की तरफ देखा, और शाहजहाँ की माँ ज़ोर से चिल्लाई, मेरी तरफ से बिल्कुल मनाही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाहजहाँ के पिता ने भी सब कुछ समझ लिया और वो चिल्लाए, तुम दोनों मेरा हार्ट फेल करके ही रहोगे। और दूसरी तरफ इबो अपने व्हीलचेयर से उठा, लंगड़ी टांग खेलते हुए सीधा शाहजहाँ के गले लग गया। शाहजहाँ अभी भी अपने शौक से उभरा नहीं था और इबो उसे किस कर रहा था पैशनेटली। इधर भाईजी और उसके हस्बैंड तो एक हो ही चुके थे, और बस यही होती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है ये कहानी, जलपरी की कहानी से काफ़ी हद तक मेल खा रही है। ये उसकी रिसेंट स्टोरी है जो मैंने अभी अभी पढ़ी, और मेरी इस कहानी का मैंने बेटा गर्क कर दिया। एक्चुअली इस कहानी की स्टोरी लाइन ये थी कि शाहजहाँ अपने प्यार के लिए उसे प्रपोज करने के लिए एक डांस स्टूडियो ढूंढता है, उसके साथ प्रैक्टिस करता है, और इंट्रोवर्ट इबो को शाहजहाँ की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन जब एक्चुअल में शाहजहाँ अपने लव इंटरेस्ट को प्रपोज करने जाता है तब उसे इबो का ख्याल आता है और वो इबो को चुनता है अपने लव इंटरेस्ट की जगह। लेकिन यार ये कुछ और ही बन गया, इसके काफ़ी सारे सीन्स जलपरी की कहानी से कहीं कहीं मैच कर गए। पता नहीं, अगर ये कहानी आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब है कि जलपरी ने मुझे इसे पब्लिश करने की परमिशन दे दी है, वरना तो ये कई डस्टबिन में। तो चलो किसी और कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मांगशान बबल में खुश रहिए। एंड सॉरी जल, मेरा कोई इरादा नहीं था ये कॉपी करने का या फिर चीटिंग करने का, लेकिन पता नहीं ये कैसे हुआ। और अगर तुम मुझे परमिशन देती हो तो दिल से थैंक यू।